तो नमस्कार दोस्तों, मैं सतीश कुमार कलसी फिर से आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल कलसी एसोसिएट्स में। तो आज आपके सामने तीन मंजिल का जड़ से मकान लेकर आए हैं फ्रेंड्स, जिसका फ्रंट रहेगा 24 फीट का और ये रहेगा दिल्ली के अंदर मेट्रो स्टेशन उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के पास आपका वाणी विहार। काफ़ी अच्छी रेजिडेंशियल एरिया में रहेगा, आसपास आपको मार्केट मिल जाएगी। और फ्रेंड्स, अगर बात करूं इस बिल्डिंग की तो डायमेंशन इसकी रहेगी 24x45 की ये बिल्डिंग रहेगी, तीन मंजिल की बनी होगी। और इसमें फ्रेंड्स आपको पांच फ्लैट मिल जाएंगे, एक शॉप मिल जाएगी और नीचे आपको पूरी पार्किंग मिल जाएगी। फ्रंट पे आपको 20 फीट रोड मिल जाएगी और फ्रेंड्स इसमें आपको 6 वॉशरूम मिल जाएंगे। और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी ये बिल्डिंग, बहुत अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है। एंड में मैं आपको ऑनर से भी मिलवाऊँगा। और फ्रेंड्स इसमें आपको 6 टैंक मिल जाएंगे और फ्रेंड्स सभी फैसिलिटीज़ सीवरेज, दिल्ली जल बोर्ड, BSES मीटर, सभी फैसिलिटीज़ इसमें आपको मिल जाएंगे। और जो मीटर भी हैं 4 आपको मीटर मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स सभी फैसिलिटीज़ के साथ ये हमारी बिल्डिंग, जिसकी डायमेंशन 24x45 की रहेगी। और फ्रेंड्स इसमें वाइड आपको 24 का फ्रंट मिल जाएगा, सनलाइट वाली रहेगी, वेंटिलेशन रहेगी, शॉफ्ट इसमें आपको मिल जाएगी। ये हमारी बिल्डिंग काफ़ी अच्छी बनाई गई है, रीसेल में है, बट बहुत अच्छी इसमें बिल्डिंग आपको मिलने वाली है। अभी भी आप देख सकते हैं मैं रूफ़ में खड़ा हूँ, ये आपकी प्रॉपर रूफ़ रहेगी। वाइड आप देख सकते हैं 24 फीट आपकी वाइड मिलेगी और 45 आपकी ये इसमें गहराई मिलेगी। और फ्रेंड्स इसमें जो फ्लोर बनाए गए हैं, ग्राउंड फ्लोर पे हमारी पार्किंग रहेगी, शॉप रहेगी और 1 BHK का फ्लैट रहेगा। उसके ऊपर हमारे 4 फ्लैट और आपको मिल जाएंगे, जो फ्रंट में 2 फ्लैट और इसमें बैक साइड में भी आपको 2 फ्लैट मिल जाएंगे, जिसमें आप जो क्लाइंट्स चाहते हैं रेंट इनकम बनाने के, उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, वो खुद भी रह सकते हैं और रेंट इनकम भी इसमें कर सकते हैं। और अगर कोई बड़ी फैमिली है तो उनके लिए भी काफ़ी अच्छा है, आपको 5 फ्लैट इसमें मिल जाएंगे। और जो अगर बिजनेस पॉइंट से देखना चाहते हैं तो इस पर आपको रेंट आउट पूरी बिल्डिंग कर सकते हैं, PG खोल सकते हैं, कुछ भी इसमें वर्क आप कर सकते हैं। प्राइस भी मैं आपको इसके एंड में बताऊंगा, ये आपका प्राइस जो रहेगा वीडियो के एंड में रहेगा, वीडियो आप पूरी देखें। और फ्रेंड्स काफ़ी अच्छा एरिया ये रहने वाला है, इसके आसपास आपको RSMI रोड मिल जाएगी। तो काफ़ी अच्छी लोकेशन और काफ़ी अच्छी लोकेलिटी में ये हमारी बिल्डिंग रहेगी। तो मैं अब इस पूरी बिल्डिंग इसमें कवर करूँगा, फ्रंट एलिवेशन से लेकर पूरी पार्किंग से लेकर पूरे फ्लैट्स।
तो फ्रंट भी मैं अपनी बिल्डिंग की फ्रंट एलिवेशन में खड़ा हूँ। ये हमारी बिल्डिंग रहेगी 24 का इसका फ्रंट रहेगा और इसमें 3 मंजिल बनी हुई है, आप देख सकते हैं प्रॉपर बिल्डिंग है। और फ्रेंड्स इस तरफ आपकी वाइड 20 फीट वाइड रोड है और दोनों तरफ से आपको ओपन मिलेगी, यहाँ से आपकी गाड़ी आ सकती है और यहाँ से भी आपकी टू व्हीलर और इसमें 3 व्हीलर आ सकते हैं। इसमें इजी बैटरी रिक्शा भी आ सकता है, जहाँ से आपकी गाड़ी एंट्री रहेगी। और इसमें आप देख सकते हैं सीवरेज, दिल्ली जल बोर्ड, BSES मीटर आपके सभी इसमें लगे हुए हैं। ये हमारा पार्किंग का गेट रहेगा, यहाँ से आपकी गाड़ी की पार्किंग रहेगी। और एक हमारा ये शॉप रहेगी, यहाँ पर आपको शॉप मिल जाएगी, आप कमर्शियल यूज़ भी कर सकते हैं। और ये आपके मीटर रहेंगे, 4 आपके मीटर रहेंगे जो कि आपका BSES के मीटर रहेंगे। चलते हैं अपनी पार्किंग में। तो फ्रेंड्स ये हमारी पार्किंग रहेगी, ये हमारा गेट रहेगा और जैसे ही हम आएंगे तो ये हमारी प्रॉपर पार्किंग रहेगी। गाड़ी आपकी बड़ी से बड़ी गाड़ी आपकी इसमें लग जाएगी। और इस तरफ हमारी शॉप रहेगी, अभी हमने पार्टीशन नहीं किया, बट अगर आप चाहते हैं तो यहाँ पर अगर पार्टीशन करेंगे तो प्रॉपर आपकी शॉप बन जाएगी। और यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रॉपर आपको शॉप का वर्क मिल जाएगा और इस तरफ भी आपकी प्रॉपर पार्किंग रहेगी। हाइट आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छी हाइट और इसमें आपको लटक बीम भी मिलेंगे प्रॉपर। काफ़ी मजबूत ये बिल्डिंग बनी हुई है और काफ़ी अच्छी। इस तरफ आपको 1 BHK रहेगा हमारा, यहाँ पर एक वॉशरूम रहेगा, 2 वॉशरूम इसमें ग्राउंड फ्लोर पर मिलेंगे, एक आपको यहाँ पार्किंग के साथ मिलेगा और नीचे भी एक आपको 1 BHK और प्लस किचन बाथरूम आपको यहाँ पर मिल जाएगा। ये हमारी एक शॉफ्ट रहेगी। तो फ्रेंड्स अब हम आगे हैं फ्लोर प्लान पे, यहाँ पर आपको दिखाएंगे कि कैसे बने हुए हैं हमारे फ्लोर्स। इसमें फ्रंट साइड पे एक हमारा फ्लैट रहेगा जिसमें कि आपका 70 स्क्वायर यार्ड का रहेगा और 50 स्क्वायर यार्ड का ये हमारा रहेगा। आप दोनों सेपरेट रेंट पे भी दे सकते हैं और आप रह भी सकते हैं। और ऐसे ही आपका एक और आपको मिलेंगे, इसमें हमारे इस तरह के 2 फ्लोर और ग्राउंड फ्लोर जो मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये आपके एक फ्लोर में आपको कवर करूँगा, इसी सेम आपका ऐसे आपको नीचे भी इसमें मिल जाएगा और ग्राउंड फ्लोर पर तो हमारा पार्किंग और 1 BHK बना हुआ है। तो इस तरह की 3 मंजिल हमारी ये प्रॉपर रहेगी। चलते हैं अपने 70 स्क्वायर यार्ड के फ्लैट। तो ये हमारे फ्लैट की एंट्री रहेगी। एंट्री की बात करूँ तो नॉर्थ फेसिंग की एंट्री रहेगी और जैसे ही मैं एंट्री करूँगा तो अपने ड्राइंग रूम में आएंगे। और ड्राइंग रूम का साइज़ की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा साइज़ आपको मिल जाएगा, तकरीबन आपको 20 फीट का लंबा आपको ड्राइंग रूम मिल जाएगा और इस तरफ आपको 11 फुट का ये वाइड मिल जाएगा। इस तरफ हमारी एक शॉफ्ट रहेगी और फ्रेंड्स हाइट देख सकते हैं, आपको काफ़ी अच्छी हाइट मिलने वाली है। इसमें आपको अराउंड 10 फीट की आपको हाइट मिल जाएगी। और इस तरफ हमारा एक वॉशरूम रहेगा, ये हमारा एक कॉमन वॉशरूम रहेगा इस तरफ। और फ्रेंड्स ये हमारी रीसेल की प्रॉपर्टी है, इसलिए आपको फर्नीचर यहाँ पर ऐसे दिख रहा होगा, पर काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी आपको इसमें मिल जाएगी, जड से मिलेगी। ये जड़ से मकान है, कोई फ्लैट नहीं है, इसलिए ये काफ़ी अच्छी प्रॉपर्टी रहती हैं जो जड़ से चाहते हैं। इस तरफ आप देख सकते हैं आयरन का गेट रहेगा, बैल्कनी की तरफ ये रहेगा और ये हमारा एक बेडरूम रहेगा। फ्रेंड्स इस तरफ आप देख सकते हैं ये हमारा एक बेडरूम रहेगा। और साइज़ की बात करूँ तो ये आपको 13x13 का साइज़ इसमें आपको मिल जाएगा और इसमें आप देख सकते हैं हाइट काफ़ी अच्छी मिल जाएगी। और इस तरफ आपको अगेन एक विंडो की तरफ आपको बालकनी की तरफ आपको डोर मिल जाएगा और एक बड़ी सी आपको विंडो मिल जाएगी। आप देख सकते हैं इसमें काफ़ी अच्छी वेंटिलेशन और लाइट्स आपको इसमें मिल जाएगी। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आप चाहें तो इसको 2 बेडरूम भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ ये 1 BHK बनाया गया है। यहाँ पर अगर आप पार्टीशन कर देंगे तो ये आपका एक छोटा सा ड्राइंग रूम बन जाएगा और इस तरफ अगेन आपका एक रूम बन सकता है। तो ये 70 स्क्वायर यार्ड में 1 BHK दिया गया है, तो काफ़ी अच्छा साइज़। अभी मैं आपको बैल्कनी दिखा देता हूँ। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर भी आपको एक बड़ी सी विंडो आपको मिलेगी, काफ़ी अच्छी लाइट आपको एयर आपको प्रॉपर रहेगी। और यहाँ पर एक आपको बड़ी सी बैल्कनी। तो फ्रेंड्स अब हम चलते हैं हमारे पीछे 50 स्क्वायर यार्ड के फ्लैट में जो कि 1 BHK का रहेगा। ये हमारी स्टेयर्स रहेंगी, यहाँ से हमारा ये दूसरा फ्लैट रहेगा।
और जैसे ही हम एंट्री करेंगे तो अपने फ्लैट में एंट्री करते हैं और यहाँ पर आपको एक सेपरेट किचन मिल जाएगी। ये आपकी सेपरेट किचन रहेगी, आप देख सकते हैं इसमें आपका वुडन का वर्क भी हो रखा है और यहाँ पर आपको एक शॉफ्ट मिल जाएगी। साइज़ की बात करूँ तो काफ़ी अच्छा साइज़ इसमें मिल जाएगा आपको, तकरीबन 12 फुट और आपका 6 फिट का ये साइज़ रहेगा। आपको सिंक, मॉडलर किचन, सभी ड्रॉअर, चैनल सभी इसमें आपको इसमें मिलने वाले हैं। पूरे जड़ से मकान रहेगा, ये फ्लैट नहीं है फ्रेंड्स। और इस तरफ ये आपका आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा साइज़ का आपको ये दो बेडरूम भी आप कह सकते हैं और एक ड्राइंग रूम और एक बेडरूम भी कह सकते हैं। दोनों को आप बेडरूम भी यूज़ कर सकते हैं और ड्राइंग रूम और हॉल भी इसमें आप यूज़ कर सकते हैं। साइज़ की बात करूँ तो ये अराउंड आपका 13 के अगर साइज़ रहेगा। इस तरफ हमारी एक वॉशरूम रहेगा, अटैच वॉशरूम रहेगा, जिसमें आपको एक बड़ी सी शॉफ्ट मिलने वाली है। उसके बाद फ्रेंड्स चलते हैं अपने सेकंड रूम की तरफ। अगेन ये साइज़ जो रहेगा 13x12 का साइज़ काफ़ी अच्छा साइज़ रहने वाला है। और फ्रेंड्स इस तरफ आपको शॉफ्ट भी इसमें मिल जाएगी, इसमें आपको दो शॉफ्ट मिल जाएगी, एक इस तरफ और एक आपकी शॉफ्ट यहाँ पर आपको मिल जाएगी। सिर्फ फ्रेंड्स इसमें पूरे घर में आपको सिर्फ पेंट करवाने की ज़रूरत पड़ेगी और आपकी बिल्डिंग प्रॉपर नई बिल्डिंग है ये, तो काफ़ी अच्छे साइज़ में रूम्स बने हुए हैं और अच्छी बिल्डिंग बनी हुई है, काफ़ी मजबूत बिल्डिंग बनी हुई है। तो ये आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि ये जो बिल्डिंग रहेगी रीसेल में काफ़ी अच्छी प्राइस में आपको मिल जाती है। अब हम चलते हैं नीचे, आपको रूफ में पहले ही स्टार्टिंग में दिखा चुका हूँ इस बिल्डिंग की। अब हम मिलते हैं इस बिल्डिंग के ओनर से। तो फ्रेंड्स अभी हमारे साथ इस बिल्डिंग के ओनर खड़े हैं महिंदर जी, और इनसे हम पूछेंगे कि ये बिल्डिंग कितने स्क्वायर यार्ड की और डायमेंशन कितनी है, मतलब कि कितनी चौड़ाई लंबाई और कितने गज की है। इसकी जो चौड़ाई है 24 है और लंबाई 48 है। 48 लंबाई है, 45 24 फ्रंट है और 48 लंबाई है। 48 लंबाई है, ठीक है। 24 चौड़ाई, 48 लंबाई और 120 स्क्वायर यार्ड प्रॉपर। 128 गज है, वैसे 120 के कागज है हमारे पास। अच्छा अच्छा, 128 आपका मौके पे है। हाँ हाँ, 120 गज के आपके कागज रहेंगे। हाँ, हाँ। ठीक है, ये आपकी प्रॉपर्टी आपने कब ली थी, कब आपके पेपर कब के हैं, किस सन के? ये प्रॉपर्टी मैंने सन 1988 में खरीदी थी मैंने। ठीक है, फिर मैंने ये पहले तो सिंगल था, फिर तोड़ के मैंने 2015 में इसको बनाया था पूरा। अच्छा, 2015 में आपने खुद बनाया था। तो इसकी हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको बता दो कि इसकी डिमांड क्या रहेगी, आप क्या कितने आप इसके पूरी बिल्डिंग के जो 3 मंजिल बनी हुई है अभी जो हमने दिखाई। देखो, मेरी डिमांड तो मैं तो 1.5 करोड़ मांग रहा हूँ, बाकी दे रहे हैं, थोड़े कम दे रहे हैं, पर अभी मैं जैसे निकाल रहा तो आपकी 1.5 करोड़ तक मिल जाए, क्योंकि बना भी मकान इतना बढ़िया खुद बना रखा है मजबूत। ठीक है, और जगह भी मौके की है, पार्किंग बनी हुई है और फ्रंट भी लंबाई चौड़ाई। ठीक है, तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी बिल्डिंग 3 मंजिल की आपकी बनी हुई आपकी 1.5 करोड़ की डिमांड पर। और फ्रेंड्स सभी फैसिलिटीज़ आपके पास रहेंगी, मेट्रो स्टेशन आपके बिल्कुल पास में रहेगा, वेस्ट दिल्ली का आपका उत्तम नगर वेस्ट मेट्रो स्टेशन के ये पास रहेगा। आपके आसपास सभी मार्केट रहेगी, सीवरेज आपका, दिल्ली जल बोर्ड, BSES मीटर आपके इसमें 4 मीटर आपको BSES के मिल जाएंगे, 2 आपको दिल्ली जल बोर्ड के मीटर, और इसमें मोटर फिटेड आपको फिटिंग मिलेगी, इसमें वाटर का समरसिबल वगैरह सभी आपको इसमें मिल जाएंगे। तो फ्रेंड्स काफ़ी अच्छी बिल्डिंग ये आपकी बनी हुई है, 1.5 करोड़ रुपये भी आपको मिलने वाली है। बाकी आपका सर से मीटिंग कराएंगे और इनसे ही आपकी प्रॉपर डील हो सकती है। तो फ्रेंड्स जो क्लाइंट्स अगर चाहते हैं इसमें विजिट करना तो सर का नंबर आपका हम इसमें डिस्क्रिप्शन पे आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा, तो सीधा आप इनसे भी बात कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो मैं एक बार नंबर भी, आप नंबर एक बार बता दें आपका मोबाइल नंबर। 9868971909 तो ये सर का नंबर रहेगा, डायरेक्ट भी आप बात कर सकते हैं या आप हमें भी कॉल कर सकते हैं, आपको विजिट बिल्कुल करवा दी जाएगी। तो इसी के साथ फ्रेंड्स मैं स्थिति कुमार कलसी फिर से लेता हूँ आपसे इजाज़त। हरे कृष्णा।